घर मंदिर से लेकर दुकान तक हर निर्माण कार्य से पहले दिशाओं और उनके कोनों का ध्यान रखा जाता है। घर में भी चीजों को उचित स्थान पर व्यवस्थित किया जाता है। ये सब वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आता है। वहीं वस्तु शब्द से वास्तु बनाया गया है। भगवान विश्वकर्मा जी को वास्तुशास्त्र का जनक माना जाता है। वास्तुशास्त्र में चार प्रमुख दिशाएं और उनके बीच में चार कोणों का महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र में आकाश और पताल को भी दिशा माना गया है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में कुल 10 दिशाएं मानी गई हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि घर निर्माण के समय वास्तुशास्त्र की दिशाओं का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए, इससे बहुत लाभ मिलता है। तो चलिए जानते हैं दिशाओं का महत्व। बात करेंगे उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में धन से जुड़े कार्य करने चाहिए। वहीं इस दिशा में तिजोरी का खुलना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए घर और दुकान की तिजोरी को सदैव ऐसी दिशा में रखना चाहिए जहां पर उसका मुख उत्तर की ओर खुले। वहीं अगर बात करें ईशान कोण की, तो उत्तर पूर्व दिशा के बीच के कोण को ईशान कोण कहते हैं। इसके स्वामी रुद्र हैं, इसीलिए इस दिशा में घर का मंदिर बनाना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं आती है पूर्व दिशा। वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा के स्वामी इंद्रदेव हैं। सूर्योदय के कारण ये दिशा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूर्व दिशा को खुला और साफ रखना चाहिए, इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। वहीं पूर्व दिशा में वास्तु दोष होने से घर के लोगों में मानसिक तनाव बना रहता है। इसके बाद आता है आग्नेय कोण। जी हाँ, पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच आग्नेय कोण होता है। इसके स्वामी अग्निदेव हैं। वहीं घर की रसोई घर का निर्माण आपको इसी दिशा में करना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार बेहद ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा की। देखिए, इस दिशा के स्वामी यमदेव हैं, इसीलिए घर के मालिक के रहने के लिए ये दिशा शुभ है। इस दिशा में वास्तु दोष होने से घर के मालिक को धन संपदा का नुकसान भी हो सकता है। वहीं बात करते हैं नैऋत्य कोण की। दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच नैऋत्य कोण होता है। इस कोण का स्वामी राक्षस है। वहीं इस दिशा में वास्तु दोष होने से मानसिक अशांति, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। देखिए, इस दिशा के देवता वरुण देव हैं। पश्चिम दिशा में व्यापार से संबंधित कार्य करने चाहिए और इस दिशा में व्यापार से जुड़े कार्य करने से आपको लाभ भी होता है। तो यदि आप भी घर से जुड़े कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो आप इन दिशाओं के अनुसार अपने कार्य कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और वास्तु टिप्स के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।